डॉक्टर शिखा। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए, मेरे को इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइज। आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, उन पर कमेंट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ उनको शेयर कर रहे हैं, उसके लिए लव यू ऑल गाइज। गाइज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 यमी चटनीज की रेसिपी। लास्ट वीडियो में हमने बनाई थी होममेड होल व्हीट ब्रेड, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही सुपर्ब है। अब हम बनाएंगे उससे सैंडविच। तो सैंडविच के लिए हमें चाहिए बहुत ही सुपर्ब सी कोई ऐसी चीज़ जो हमारे सैंडविच को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना दे। अब अगर हम वेट लॉस जर्नी पर हैं या अगर हम डाइट पर हैं, तो हम मेयोनीज और स्प्रेड्स या मार्केट की जो सॉसेज आती हैं वो सब नहीं यूज़ कर सकते यार, क्योंकि वो सब इतनी ज़्यादा फैटनिंग होती है। अगर आप इतनी सी भी खा लोगे ना तो वो आपको देगी बहुत ज़्यादा वेट गेन, तो हम वो अपने सैंडविचेस में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करें, हम बिल्कुल ही फीका और टेस्टलेस सैंडविच तो नहीं खा सकते। हम उसको बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा यमी, और वो बनेगा हमारी होममेड चटनी के साथ। गाइज मेरे फ्रिज में कोई ना कोई इन तीनों में से एक चटनी हमेशा रहती है, क्योंकि मैं इसको ब्रेकफास्ट में रोज़ लेती हूँ, चाहे मैं सैंडविच ले रही हूँ या फिर मैं अपनी वेट लॉस मल्टीग्रेन रोटी ले रही हूँ या मैं कोई दलिया ले रही हूँ या मैं कोई सैलेड ले रही हूँ या कोई मैं रायता ले रही हूँ तो मैं उसमें भी इसको मिक्स कर देती हूँ, या फिर अगर मैं बना रही हूँ अपनी कोई ग्रिल्ड पनीर या चिकन की रेसिपी जिसमें मैं इसको एज अ मैरिनेट यूज़ कर लेती हूँ, तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। बस आपके फ्रिज में अगर ये है तो फटाफट आपने इसको ग्रैब किया और किसी भी चीज में मिला दिया और कोई भी चीज आपकी सुपर टेस्टी बन जाती है और वो आपके लिए बिल्कुल फैटनिंग भी नहीं होती। तो देखते हैं गाइस इन तीनों चटनियों की रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे रोस्टेड टमाटो चटनी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया, उसको गैस पे रख दिया है। थोड़ा सा बिल्कुल इसमें ऑयल डालेंगे हम। दिस वन इज़ माई पर्सनल फेवरेट गाइज, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे इसको। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्चें, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चिली ऐड कर सकते हो। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लहसुन, गार्लिक, थोड़ा सा चॉप जिंजर ले रही हूँ यहाँ पे, अदरक। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब मैं यहाँ पे 3 टमाटर डाल रही हूँ काट के, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ यहाँ पे मैं। इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे हम, थोड़ा भून लेंगे अच्छे से। और अब ये भून गया है, इसको ठंडा कर लिया है मैंने। अब इसको ब्लेंडर में मैं पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। ये मैंने ब्लेंडर जार ले लिया है, अब इसके अंदर ग्राइंड कर लूँगी मैं इसको। थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ मैं। गाइज ये रेडी है हमारी चटनी, वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी यम्मी। इसको आप अपने किसी भी सैंडविच में चीले के साथ, रोटी के साथ या अपने चिकन और पनीर के मैरिनेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। गाइज हमारी अनियन जिंजर चटनी बहुत सिंपल है, इसके लिए ब्लेंडर जार ले लिया है मैंने। यहाँ पे 2 से 3 अनियंस आप थोड़े से चॉप करके ब्लेंडर जार में डाल दो। थोड़ा जिंजर ले लिया है मैंने यहाँ पे चॉप करके, ये थोड़ा गार्लिक है, ग्रीन चिलीज अपने हिसाब से आप चिली एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सॉल्ट डाल रही हूँ यहाँ पे, चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, लेमन जूस ऐड करेंगे अब इसमें। बस अब इसको हम ब्लेंड 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 कर देंगे। That simple guys, ये रेडी है हमारी अनियन जिंजर चटनी एंड इट इज़ वेरी यम्मी। गाइज नेक्स्ट आती है हमारी मिंट कोरिएंडर चटनी। ये मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर यानी कि धनिया एक ब्लेंडर जार में, ये वॉश्ड और क्लीन है। अब मैं डाल रही हूँ पे मिंट लीव्स, थोड़ा सा पुदीना। गाइज आप जितना धनिया लेंगे उसका हाफ पुदीना आप लीजिएगा। ये मैं डाल रही हूँ जिंजर थोड़ा सा चॉप करके, थोड़ा गार्लिक डाल रही हूँ, ये डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज,
मैं डाल रही हूँ यहाँ पे एक अनियन थोड़ा काट कर, सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें, रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, लेमन जूस डाल रही हूँ, और अब आएगा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट अनारदाना। गाइस इससे जो चटनी का टेस्ट है ना वो किसी और लेवल पर ही चला जाता है। अब इसको ब्लेंड कर दिया है मैंने। गाइस ग्रीन चटनी या धनिया पुदीना की चटनी बहुत सारी ट्राई करी होंगी आपने, आप एक बार ये वाली ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है। गाइस तो रेडी हमारी चटनी, वेरी वेरी सिंपल, आप ये तीनों चटनियाँ ज़रूर ट्राई करो गाइस। तो कैसी लगी आपको मेरी चटनी की रेसिपी गाइस? आई एम श्योर आपको ये ज़रूर पसंद आएंगी, आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करो। कोई ना कोई एक चटनी आप अपने फ्रिज में हमेशा रखिए, कोई भी स्प्रेड्स, कोई भी मार्केट की सॉस, कोई केचप, कोई मेयोनीज आप बिल्कुल भी यूज़ मत करो, क्योंकि वो आपको देती है बहुत ज़्यादा वेट गेन। अगर आप ये चटनी यूज़ करोगे तो आप भूल जाओगे मार्केट की वो सारी स्प्रेड्स और वो सारी सॉसेस, आई एम श्योर। अगर आपको ये चटनी की रेसिपीज पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ में जो बेल बटन है उसको भी आप ज़रूर प्रेस करिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना, मैं उनका रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ मैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अपना फीडबैक, अपना कोई भी सजेशन है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए गाइस मेरी वीडियो। कोई भी अगर आपको अनहेल्दी नज़र आता है या ओवरवेट नज़र आता है तो आप उसको मेरी वीडियो सजेस्ट करिए, क्योंकि हेल्थ जो है, जो हमारी बॉडी है वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है, तो हमें उसे हेल्दी रखना ही चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगी 5 यम्मी हेल्दी वेट लॉस सैंडविचेस की रेसिपी। बाय गाइज।